देखिए, वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। अपने स्वभाव को नमक की तरह बनाओ। आपके होने पर भले ही महफिल में कोई आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन आपके ना होने पर हर इंसान को आपकी कमी खले। टेंथ क्लास में फेल हो गया जो लड़का, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी दुनिया हिला दिया रे। उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बच्चा टेंथ क्लास में फेल हो गया था, उस टेंथ क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया। यह है एक चीज। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, आप दुनिया का कितना भी भला कर लो, ये दुनिया आपको लात मारने के लिए आपकी बस एक गलती का इंतजार कर रही है। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलना। डोर लंबी है इसका ये मतलब नहीं है कि पतंग ऊंची जाएगी, पतंग उड़ानी आनी चाहिए। इसी तरीके से कामयाब हो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा कामयाब रहोगे, कामयाबी संभालनी आनी चाहिए। जो फेल होता है ना वही बता सकता है कि कहां गलतियां ना करें। कभी कभी आपका सबसे खराब खिलाड़ी देश का सबसे अच्छा कोच बन जाता है। क्यों? एवरेज प्लेयर ही बोलते थे बेटा। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही आईएएस बनाता है। डर लगेगा तुझे फासला देखकर, तू बढ़ते रहना रास्ता देखकर, एक दिन खुद ब खुद मंजिल आएगी तेरे पास तेरा हौसला देखकर। दुनिया के 95% लोग अपनी जिंदगी में गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं, 5% लोग हैं जो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है, 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाही किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। मंजिल पाने चलाए कि कुछ इस तरह बुन अपने तकदीर के धागे कि पूरी कायनात को झुकना पड़े तेरी जिद के आगे। ये बात आपको भी अच्छे से मालूम है कि जब तक आप अपने अमल अच्छे नहीं करोगे तब तक आपका ये बुरा वक्त खत्म नहीं होगा। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है। परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी का इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता मियां साहब, और मुश्किल से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अस्सलाम वालेकुम। इसी उम्मीद के सहारे ये दरिया पार होगा, उसे कभी ना कभी तो हमसे प्यार होगा। लड़के भी घर से बाहर मम्मी पापा के बगैर होते हैं, यदि लड़की घर की लक्ष्मी तो लड़के भी कुबेर होते हैं। बस यादें ही जा पाती हैं अपने गांव जमीनों तक, लड़के भी कहां घर जा पाते हैं कई साल महीनों तक। अपनों के सपनों के खातिर ये भी मजबूर होते हैं, अजी लड़के भी रोते हैं जब घर से दूर होते हैं। मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। मत रहो यूं उदास, तुम्हें देखकर भी कोई जीता होगा। You can buy a house, yeah. But not a home. Yeah. With money, you can buy a clock, yeah. But not time. Wow. With money, wow. You can buy a bed, yeah. But not sleep. Yeah. With money, you can buy food, but not appetite. With money, you can buy a doctor, but not good health. With money, you can have insurance, but not safety. And wow. This is the problem that we all have. Yeah. There are things that you cannot buy with material wealth, yeah. With money. खुद की फूल मत बनो यार, जिंदगी में अगर कुछ बनना है ना तो अपनी सोच को बुलंद रखो, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है, उसे और कमजोर बनाती है। तो एक कहावत है,
कि भाई मरे बल घटे, कि भाई अगर मरेगा तो मरता कितने हो आ जाना। हाँ है ना, भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए। ठीक है, आपका धूप बारिश गर्मी सर्दी जो होगा सीधा आएगा तुम। ठीक है, तो ऐसे ही अगला हिस्सा है कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, और जिस दिन मरेगी मावड़ी सारा जग सुना कर जाए। ठीक है, कि दुनिया में आपको फिर आपका कोई वो कोना नहीं बचेगा फिर कभी, अगर आपकी माँ नहीं रही। अगर लोग अभी तक आपके काम पर नहीं हंस रहे तो मतलब आप गलती नहीं कर रहे, और अगर आप गलती नहीं कर रहे तो मतलब आपने अभी तक कुछ नया करना शुरू ही नहीं किया। मैं कहता हूँ हमेशा से खाने में जहर का इलाज है, कुत्ता खा जाए आपको इलाज है, सांप डसले साला इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर भर दे उसका पूरी दुनिया में आज तक इलाज पैदा नहीं हुआ।